YouTube चैनल एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें मैं DM देख देख कर मेरा दिमाग खराब हो गया। सीरियसली यार, मैंने एक वीडियो बनाया था लगभग एक साल पहले कि क्या रीज़न है जिससे कि आपका जो Instagram की जो प्रमोशन है वो रिजेक्ट हो जाती है। तो मैंने उसके अंदर बहुत ही क्लियरली 5 पॉइंट बोले थे। वो 5 पॉइंट क्या है आप जाकर मेरा वीडियो देख सकते हो। जल्दी से मैं आपको यहाँ पर एक याद दिला देता हूँ कि आप कोई सी भी ऐसी पोस्ट को प्रमोट नहीं कर सकते जिसके अंदर कोई वॉयलेंस वगैरह हो या कोई भी न्यूडिटी वगैरह हो, आप ऐसा कुछ प्रमोट नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ऐसा है जिसके अंदर भी ऐसा ब्रांड शो हो रहा हो उसको आप ओन नहीं करते हो। आपने शूज़ अगर नाइकी के शूज़ वगैरह डाल रहे हो या ऐसा कुछ सेल करने के लिए नहीं होगा। प्लीज़ जो भी लोग मुझे DM करते हैं कि भाई हमारा प्रमोशन काम नहीं कर रहा, हम ये नहीं कर रहे, और उनसे मैं जाके पूछता हूँ भाई क्या प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो, भाई नाइकी की फर्स्ट कॉपी, एडिडास की फर्स्ट कॉपी, मेरे भाइयों प्लीज़ मुझे मत परेशान करो, मैं क्लियरली बता चुका हूँ। और मेरे पास में एक बहुत ही फनी स्टोरी है, मैं बताता हूँ। मैंने ऐसे एक बंदे को कहा, वो मुझे कहता है भाई ठीक है तो मैं एडिडास खरीद लेता हूँ। आई वॉज लाइक ओके, खुद का ब्रांड है तो आप उसे प्रमोट कर सकते हो, अगर कोई इंटरनेशनल ब्रांड है तो आप उसको प्रमोट नहीं कर सकते हो, आपका परमानेंटली सस्पेंड भी हो जाएगा अकाउंट, डिलीट भी हो जाएगा। दूसरी चीज़, आपको जो टैग्स हैं उसका भी ध्यान रखना है कि जो आपके इंस्टाग्राम पे आप टैग्स यूज़ करते हो उसके अंदर कोई ऐसा ब्रांड वगैरह टैग नहीं होना चाहिए, तो जो पोस्ट है वो आपकी प्रमोट नहीं होगी। और जो चीज़ थी मैंने उसके अंदर कहा था कि हैशटैग्स का आपको ध्यान रखना है। हैशटैग जो होने वाले हैं वो आपको जो भी हैशटैग थे वो उस वीडियो में मैंने अच्छे से बता दिए थे कौन से वाले, मुझे ये वाला वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना इसीलिए, तो आपको कुछ हैशटैग्स का ध्यान रखना है। लेकिन उसके अलावा फिर भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, तो जो न्यू पॉलिसी आई है 2021 मई में जो इंस्टाग्राम की या फेसबुक की न्यू प्रमोशन या पोस्ट प्रमोशन की जो पॉलिसी आई है उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। तो यार उन लोगों को मैं ये कुछ बताना चाहता हूँ जो MLM हो गया या नेटवर्क मार्केटिंग हो गई या अर्न अपने घर पे बैठे बैठे करोड़पति बन जाओ, जो कि कोई नहीं बनता है घर पे बैठे बैठे, कोई करोड़पति नहीं बनता, सबको घर पे जाके, सब कोई पागल नहीं है जो हमारे माँ बाप बाहर जाते हैं और जाकर के पैसे कमाते हैं, सब घर पे बैठे बैठे अमीर हो जाते हैं, तो बात ही क्या थी। तो ये चीज़ है, अगर आप कोई भी ऐसी पोस्ट प्रमोट कर रहे हो जिसके अंदर आप ये कह रहे हो कि हम आपको सक्सेसफुल बनाएंगे, हम आपको इतने पैसे में आप डालो और आपको इतना रिटर्न मिलेगा, आपका पोस्ट भी प्रमोट नहीं होगा, उल्टा आपका इंस्टाग्राम का जो पेज है ना, जो भी आपका है अकाउंट वगैरह, वो सब डिलीट हो जाएगा। तो इसीलिए ये सुनने के बाद मेरे को पता है मेरे DM भरने वाले हैं, लेकिन प्लीज़ ये चीज़ का ध्यान रखना, मेरे को मत DM करना। मैं पहले ही बता रहा हूँ, आई विल नॉट गिव यू अ रिप्लाई, क्योंकि मैं अकाउंट देख लेता हूँ कि आप क्या प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो। एंड इंस्टाग्राम नहीं करता, क्योंकि इंस्टाग्राम को ये रिस्क नहीं चाहिए कि किसी का पैसा डूबे, तो इसीलिए जो भी मनी रिलेटेड चीज़ें होती है ना वो इंस्टाग्राम प्रमोट नहीं करता, तो उस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखो। उसके अलावा आपको जैसे पहले जो आप पोस्ट प्रमोट करते थे सिर्फ उसी के ऊपर इंस्टाग्राम जैसे पहले ध्यान देता था, अब इंस्टाग्राम आपकी पूरी प्रोफाइल पे ध्यान देता है कि आपने जो बाकी की पोस्ट डाली हैं वो भी कोई ऐसी मनी रिलेटेड तो नहीं है, आपके बायो तक को चेक किया जाता है। इनफैक्ट अगर आपने कोई दूसरी पहले पोस्ट अगर प्रमोट कर दी हो, जैसे कोई लोग बोलते हैं कि यार इन्होंने भी तो पहले पोस्ट प्रमोट करी, मेरा प्रमोशन क्यों नहीं चल रहा, पहले पोस्ट प्रमोट करने की बात अलग थी, पहले इंस्टाग्राम के उसमें से छोटे मोटे लोग निकल जाते थे जिनके प्रमोशन भी 2-3 घंटे में बंद हो जाते थे और उनका भी अकाउंट ब्लॉक हो जाता था, तो प्लीज़ ये चीज़ मत करो। उसी के अलावा बार बार इंस्टाग्राम पे स्पैम मत करना, जो बार बार लोग करते हैं कि बार बार प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, फेल हो जाता है, फिर प्रमोट करते हैं, मत करो। अगर आपका पैसा अटका हुआ है उसके अंदर तो सारा चले जाएगा, स्पैम मत करो प्लीज़। उसी के अलावा एक पॉइंट और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग कोई मान लो रील वगैरह प्रमोट कर रहे हो या फिर कोई सी स्टोरी या पोस्ट या कोई सा वीडियो प्रमोट कर रहे हो, उसके अंदर कोई भी कॉपीराइट म्यूज़िक नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट उस पोस्ट के अंदर क्या, आपकी पूरी प्रोफाइल के अंदर कोई कॉपीराइट म्यूज़िक नहीं होना चाहिए। मेरे पास में एक DM आया था थोड़े ही दिन पहले जिसके अंदर उन्होंने मुझे कहा था कि मेरी जो पोस्ट है वो प्रमोट नहीं हो रही है क्योंकि उन्होंने एक वीडियो डाला था जिसके अंदर एक कॉपीराइट म्यूज़िक था और उस वजह से उनके वो जो वीडियो है वो प्रमोट नहीं हो पा रही थी, पोस्ट प्रमोट नहीं हो पा रही थी, और जैसे ही उन्होंने वो वीडियो डिलीट करा उनकी पोस्ट प्रमोशन स्टार्ट हो गई। तो इस चीज़ का भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। ये है कुछ हमारी इंस्टाग्राम की जो न्यू पेज प्रमोशन पॉलिसी है, वो मैंने बहुत ही ईजीली बहुत ही जल्दी आप लोगों को समझा दिया है। तो इसीलिए फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। उसी के अलावा एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि
अगर आप कोई ऐसी प्रोफाइल या कोई सी ऐसी चीज यूज कर रहे हो जिससे कि आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, तो ये भी मेरे पास 2 दिन पहले ही मेरे पास एक डीएम आया है, या पेज डिलीट हो जाता है। तो फेक फॉलोअर्स बढ़ाने वाले सर्वर वगैरह जो बढ़ाते हैं उसकी बात अलग है, लेकिन जो लोग ऐप यूज करते हैं कि मैंने ये ऐप यूज करी इसलिए मेरा प्रोफाइल है वो डिलीट कर दी, भाई मत किया करो। क्या हो रहा है, फॉलोअर्स बढ़ाने से क्या मिल जाता है मुझे पहले तो ये बताओ। इन फॉलोअर्स होते हैं, अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, आपके क्या मतलब है। आप देखना किसी किसी के जाकर के 10-20 हज़ार फॉलोअर्स रहेंगे और उनके जो लाइक आते हैं वो 100-150-200 ही आते हैं, तो वो चीज़ रहती है। प्लीज़ इस जो ये ऐप रहती है कहती हैं कि हम प्रमोट कर देंगे या कुछ कर देंगे, अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, इसलिए भी मेरे पास में डीएम में मत आना कि भाई डिलीट हो गया मैं क्या करूं, क्योंकि उसको मैं भी बाहर वापस मतलब मैं नहीं ला सकता, परमानेंटली वहां से डिलीट हो गया है, इंस्टाग्राम वापस नहीं ला सकता, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता उसके अंदर। एंड उसके अलावा एक चीज़ और है, जो लोग मुझे ये कहते हैं कि भाई हमारा जो पेज है वो इसलिए मैंने ये डाला था पहले मेरा प्रमोट हो गया था, पहले प्रमोट होने की बात अलग है, अभी वो चीज़ आप प्रमोट नहीं कर सकते, तो इसलिए फिर से मेरे को डीएम मत करना। अगर आपकी जेन्युइन चीज़ होगी तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू, क्योंकि जब भी किसी की मेरे पास डीएम रिक्वेस्ट आती है, एंड आई एम नॉट किडिंग, मेरे पास डेली की 1 से 2 रिक्वेस्ट आ जाती हैं, एंड जितना भी हो सकता है मैं उतने लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। एंड हाँ, इसी के बहाने जो लोग मेरे पास में आते हो ना अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए, प्लीज़ 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 मत आओ, क्योंकि यार मैं पक गया हूँ देख करके कि भाई प्लीज़ मेरे से मेरा पेज प्रमोट नहीं हो रहा है। मैंने बोला आप क्या प्रमोट करते हो, बोले मैं फॉलोअर्स वगैरह के सर्वर वगैरह वो देता हूँ, मतलब फेक फॉलोअर्स देता हूँ। मैंने प्लीज़ मेरे पास में मत आओ, मेरे को जेन्युइन जो फॉलोअर्स हैं वो मेरे काफ़ी हैं। अगर आप भी जेन्युइन फॉलोअर बनना चाहते हो तो प्लीज़ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो ये चीज़ है, इसके अंदर मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया। अगर आपने पहले पुराना वाला वीडियो देख रखा है तो ये वाला वीडियो को भी शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में जिसको हो सकता है कि ये हेल्पफुल हो। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पीस आउट।